साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ सीएसए डिपार्टमेंट फ्रॉम भारती कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी. वी विल डिस्कस एंड टॉपिक इज सीबीआईएस. ठीक है, हमारा जो सब्जेक्ट है बी सिक्स सेमेस्टर सीएसई का एमआईएस मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम. जिस सब्जेक्ट में हमारा एक टॉपिक है, कौन सा टॉपिक है आपका? सीबीआईएस. ठीक है, ये सेकेंड चैप्टर का आपका फर्स्ट टॉपिक है सीबीआईएस. सीबीआईएस क्या होता है? ये शॉर्ट फॉर्म है ना सीबीआईएस का. तो सीबीआईएस होता क्या है? कंप्यूटर बेस्ड इन्फॉर्मेशन सिस्टम. ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कंप्यूटर बेस्ड इन्फॉर्मेशन सिस्टम. कंप्यूटर क्या होता है चलिए सब लोग जानते ही है. कंप्यूटर बेस्ड इन्फॉर्मेशन सिस्टम में क्या होता है? जो कंप्यूटर बेस्ड इन्फॉर्मेशन सिस्टम होता है, इन्फॉर्मेशन पहले बता देते. ठीक है, कंप्यूटर क्या होता है सबको पता है. ठीक है, कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मशीन है. इसमें हम लोग क्या करते हैं? वर्क करते हैं, है ना. यूजर, कंप्यूटर यूजर क्या करता है? इस पे यूज करता है, वर्क करता है. ठीक, इन्फॉर्मेशन क्या होता है? इन्फॉर्मेशन इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा. ठीक है, इन्फॉर्मेशन इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा. अब कैसे? मैंने बताया था कि जो इन्फॉर्मेशन होता है वो कलेक्शन ऑफ डेटा होता है. ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे डेटाज आएंगे जिसको हम लोग क्या करेंगे, उसमें सिस्टम में इसको मैनेज करके रखेंगे. वो क्या होता है? मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम. ठीक है, तो ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं कंप्यूटर बेस्ड इन्फॉर्मेशन सिस्टम, उसमें हम लोग क्या करेंगे? जो कंप्यूटर बेस्ड आपका इन्फॉर्मेशन रहेगा उसमें हम उसको क्या करेंगे? सिस्टम में सेव करके रखेंगे, सिस्टम में हम उसको जमा के रखेंगे, ताकि हमको जो भी वर्क हो, ठीक है, जो भी जब भी हम उसको काम कर पाए, सेव करके रखेंगे, तो हमको जब भी उसको जरूरत पड़ेगा, ठीक है, तो हम उसको वहां से उठा पाए. ठीक है, अभी का क्या रहता है, हम लोग पिछली बार हम लोग जब भी पास्ट टाइम अपने क्या रहता था, हम लोग उसको पेपर वर्क में, ठीक है, या रजिस्टर्ड करके या और किसी भी तरीके से हम उसको क्या करते हैं, डेटा जो भी रहता है उसको सेव करके रखते हैं, है ना, उसमें लिख के ऐसे. तो क्या रहता है, पेपर नॉर्मली हमारे पास हमेशा रहता नहीं है, वो कभी घूम जाएगा, फट जाएगा, इस टाइप का आपका क्या रहता है, हो जाता है हमारे साथ. ठीक है, तो हम लोग जो भी रखेंगे, हम लोग अब इसमें क्या हो गया, अभी हम कंप्यूटर में रखेंगे. ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम रहेगा उसमें क्या रहेगा, कंप्यूटर में हम लोग क्या करेंगे, डेटा को सेव करके रखेंगे. ठीक है, हमारा जो इन्फॉर्मेशन मिलेगा वो किसके बेस्ड पे रहेगा? कंप्यूटर के बेस पे रहेगा. हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमको डेटा चाहिए, डेटा हमको रखना है, बनाना है, हम उसको क्या करेंगे, डेटाबेस के रूप में हम लोग रखेंगे. पर किसमें रखेंगे? कंप्यूटर सिस्टम में. ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड इन्फॉर्मेशन सिस्टम. डेफिनेशन देख लेते हैं. कंप्यूटर बेस्ड इन्फॉर्मेशन सिस्टम इज एन इन्फॉर्मेशन सिस्टम दैट यूजेज अ कंप्यूटर एंड ऑफन टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टू परफॉर्म सम और ऑल ऑफ इट्स इंटेंडेड टास्क. ठीक है, टेली कम्युनिकेशन से क्या समझते हैं? ठीक है, टेक्नोलॉजी क्या रहता है आपका, वो सब चीज हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर में यूज करते हैं. ठीक है, समझ में आया? हम लोग जो भी कंप्यूटर बेस्ड आपका जो भी डेटा रहेगा, हम लोग उसको क्या करेंगे, सेव करके रखेंगे किसमें, सिस्टम में. और जो भी हमारे टेली कम्युनिकेशन बेस्ड पे है या टेक्नोलॉजी बेस्ड पे हमको जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना रहेगा, प्रोग्राम्स हम जो रन कराना है, एग्जीक्यूशन कराना है, बहुत सारे हमारे पास क्या रहते हैं, टास्क रहते हैं, उसको हम लोग किस पे करेंगे, कंप्यूटर पे करेंगे, है ना. तो वो क्या हो गया आपका, कंप्यूटर बेस्ड इन्फॉर्मेशन सिस्टम. द फर्स्ट मेजर कंप्यूटर एप्लीकेशन वॉज यूज टू प्रोसेस अकाउंटिंग डेटा. ठीक है, जो हमारा सबसे पहले जो कंप्यूटर एप्लीकेशन बना वो किसके लिए यूज हुआ, अकाउंटिंग डेटा. ठीक है, उसपे अब फिर क्या होता है, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज करते हैं. जनरली अभी डेली लाइफ में हम लोग यूज कर ही रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं ना, तो बिजनेस में क्या रहता है, हम लोग को ये सब चीज करना ही रहता है, हर डेली अपडेशन रहता है. चाहे स्कूल में रहो, कॉलेज में रहो, कॉलेज का डेटा है, स्कूल का डेटा है, है ना, ऑफिस का डेटा है, बिजनेस जो भी कर रहे हैं, बैंकिंग का है आपका, हॉस्पिटल्स का है, हर एक डेटा को क्या करते हैं, बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, अपडेट करते रहते हैं हम लोग डेटा को, है ना, तो वो हम कंप्यूटर बेस पे उसको परफॉर्म करते रहते हैं, है ना. ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास क्या है, बहुत सारे एप्लीकेशन है. कैसे इस एप्लीकेशन को हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं? दैट एप्लीकेशन वॉज फॉलोइंग बाय फोर अदर इन्फॉर्मेशन सिस्टम. ठीक है, ये जो एप्लीकेशन है वो
और जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, ये कंप्यूटर बेस्ड इन्फॉर्मेशन सिस्टम है वो, और क्या रहता है अपने पास, और जो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, जैसे कौन कौन से मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, नॉलेज बेस्ड इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, इस सब में भी क्या करता है, ये फॉलो करता है कौन, वो एप्लीकेशन, ठीक है। तो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम मैंने बता दिया था क्या होता है, ठीक है। जो भी हमारा इन्फॉर्मेशन रहता है, हमारा डेटा रहता है बिजनेस से रिलेटेड या अदर वर्क से रिलेटेड, जो भी डेटा है हम उसको क्या करते हैं, मैनेज करके रखते हैं इसमें, सिस्टम में, वो क्या रहता है आपका मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। अब डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या होता है, जो हमारा डिसीजन लेने का काम करता है, ठीक है, डिसीजन लेने में हमारा हेल्प करता है। हमारा बिजनेस चल रहा है, बिजनेस क्या हो गया, बिजनेस में हम लोग को कई बार ऐसा रहता है कि लॉस हो जाता है, तो हमको क्या उस लॉस को कैसे सुधारना है, किस टाइप से उसको सॉर्ट आउट करना है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं ना, उसी टाइप का आपका क्या रहता है, एप्लीकेशन रहता है जो क्या करता है, इसमें हमारी हेल्प करता है, डिसीजन लेने में हमारा हेल्प करता है, वो हम लोग पढ़ेंगे, ये नेक्स्ट टॉपिक में है, ठीक है। तो वो आपका क्या होता है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होता है, ठीक है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम किसमें आता है आपका, अकाउंटिंग मतलब जनरली आप उसको किससे रिलेट कर सकते हैं, बैंकिंग से, है ना, बैंकिंग से ही आपका क्या रहता है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम, आप वहां से अकाउंटिंग का मतलब समझ सकते हैं, ठीक है। उसके लिए भी एप्लीकेशन बना होता है अलग सा, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम के लिए अलग सा आपका जो एप्लीकेशन बना हुआ है, उसके बेसिस पे आपको क्या रहता है, कंप्यूटर बेस्ड हम उसको डेटा को क्या कर सकते हैं, सिस्टम में मैनेज करते हैं, है ना। फिर क्या आता है, नॉलेज बेस्ड इन्फॉर्मेशन सिस्टम, नॉलेज बेस्ड इन्फॉर्मेशन सिस्टम हम उसमें नॉलेज का बहुत सारा अपना डाल सकते हैं। नॉलेज के लिए हम लोग जैसे कोई वेबसाइट बनाए रहते हैं ना, वेबसाइट में आपका नॉलेज के लिए हम जैसे अपना बिजनेस के बारे में बता रहे हैं, अपन ई कॉमर्स बिजनेस है ना, ऑनलाइन चल रहा है, तो हम उसको जगह जगह हम लोग ऐसे बोल बोल के कितने लोगों को ही बताएंगे, ठीक है। तो वो हम इंटरनेट पे जब डालते हैं तो उसमें क्या रहता है, नॉलेज अपने को क्या होना चाहिए वहां पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम उसको क्या करेंगे, पूरा इसका अबाउट अस, इसमें अबाउट अस में आपका पूरा क्या डिटेल्स इन्फॉर्मेशन सब दे देते हैं, तो उस टाइप का क्या एक अलग एप्लीकेशन रहता है जिसके बेसिस पे क्या करता है, इसको फॉलो करता है इन्फॉर्मेशन सिस्टम को, ठीक है। तो इतने मतलब इन्फॉर्मेशन सिस्टम है जो आपके कंप्यूटर बेस्ड इन्फॉर्मेशन सिस्टम है उसको मिला के ये सब क्या है कि एप्लीकेशन तैयार रहता है, वो एप्लीकेशन आपका टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस पे जो भी क्या रहता है आपका टास्क परफॉर्म करते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया आपका कंप्यूटर बेस्ड इन्फॉर्मेशन सिस्टम। अब बात आती है मतलब लेवल ऑफ वर्क, ठीक है, किस टाइप का, किस लेवल तक आपका क्या रहता है वर्क होता है कंप्यूटर बेस्ड इन्फॉर्मेशन सिस्टम में, वो हम देखते हैं, ठीक है। पिछली क्लास में हम लोग देखे देखे टॉप टू बॉटम आपका वर्क होता है, ठीक है। जैसे क्या रहता है, कोई कंपनी में गए कहीं भी या जो भी वर्क के लिए, उसमें हमेशा क्या रहता है, टॉप टू बॉटम आपका जो वर्क है वो होते रहता है, कि वो एक लेवल ऑफ परफॉर्मेंस रहता है बिजनेस का, है ना, बिजनेस का जो लेवल्स रहता है। इसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड इन्फॉर्मेशन सिस्टम में 3 लेवल्स हैं, है ना, 3 लेवल ऑफ आपका मैनेजमेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। कौन कौन से लेवल्स है, स्ट्रेटेजिक लेवल, ठीक है, ऑपरेशनल कंट्रोल है आपका मैनेजमेंट लेवल में, मैनेजमेंट कंट्रोल लेवल, और लास्ट क्या आता है आपका
ऑपरेशनल कंट्रोल लेवल। ठीक है, इसको हम और क्या देख सकते हैं, ये आपका क्या है, टॉप लेवल मिडिल लेवल, ये आपका आता है लोअर लेवल। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका थ्री लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट का है ये तीन लेवल होता है, स्ट्रेटेजिक लेवल, मैनेजमेंट कंट्रोल लेवल और आपका आता है ऑपरेशनल कंट्रोल लेवल। ठीक है, तो स्ट्रेटेजी से क्या समझते हैं, जनरली कोई भी बिजनेस है, कोई बिजनेस चला रहे हैं है ना, कोई इंडस्ट्रीज है, तो उसमें क्या रहता है, लेवल्स रहते हैं, अलग अलग लेवल पे अलग अलग क्या क्या आता है, काम होता है, अलग अलग लेवल पे वर्कर्स अपना अलग अलग क्या रहता है, उनका रोल रहता है ना, उस रोल के बेसिस पे वो क्या रहता है, हम लोग को काम मिलता है। ठीक है, जैसे आप स्ट्रेटेजिक लेवल मतलब क्या, स्ट्रेटेजी मतलब क्या होता है, एक रणनीति, एक प्लानिंग है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ एक रणनीति बना के हमको क्या करना है, बिजनेस करना है। ठीक है, तो वो बिजनेस कैसे होगा, कौन सोचेगा, टॉप लेवल का जो व्यक्ति या पर्सन है जो क्या करेगा, वहां पे काम करेगा। ठीक है, तो स्ट्रेटेजिक लेवल पे आपका जो है काम होगा वो कैसे होगा, आप पूरे प्रॉपर आपको क्या करना है, स्ट्रेटेजी तैयार करना है आपके किसका, बिजनेस का। ठीक है, पूरा उसका एम से लेके प्लानिंग तक का, प्लानिंग के बाद तो उसका प्रोसेस जो चलते रहता है वो सारा चीज किसमें आता है, आपका स्ट्रेटेजी में। कोई भी बिजनेस चला रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट हुआ, उसे स्टार्ट से लेके आपका क्या होगा, कितने वर्कर्स आएंगे, कितने लोग काम करेंगे वहां पे, इस टाइप का आपका जो भी स्ट्रेटेजी तैयार करना है ना, तो वो क्या आ गया, स्ट्रेटेजी लेवल पे आपका सीईओ, सीईओ क्या करता है, स्ट्रेटेजी लेवल पे काम करता है, वो बार बार अपने जो पैसे रहते हैं अपने इम्प्लॉयज उसको क्या करते हैं, मीटिंग वगैरह तैयार करते हैं, मीटिंग बुलाते हैं, उन सबका डेटा बना के रखने के लिए उसको क्या करते हैं, बोलते हैं, उसमें से आपका क्या रहेगा, जो भी सीईओ का वर्क है ना, कितने इम्प्लॉयज हैं, कितने क्या हैं, वो सब चीज का आपको क्या रहता है, डेटा वो मांगता है ना। तो अब फिर क्या आता है, मैनेजमेंट कंट्रोल लेवल, मैनेजमेंट कंट्रोल लेवल में क्या रहेगा आपका, जो मैनेजर है, ठीक है, मैनेजर है आपका, वो क्या करने का काम करता है, मैनेज करने का काम करता है। ठीक है, जितना भी सीईओ से उसको काम मिले रहेगा, ठीक है, अपना जो कंपनी का ओनर है, ठीक है, ओनर है, वो ओनर से उसको जितना भी काम मिलेगा, ठीक है, वो सब काम कौन करेगा, मैनेजर। मैनेजमेंट कंट्रोल का मतलब ही क्या है, मैनेज करने वाला, जो बीच में मैनेज करता है मिडिल लेवल का हर एक चीज। ठीक है, उसको कितने एम्प्लॉयज ने को कितने एम्प्लॉयज को उसने अपॉइंट किया है ना, तो वो सारा रिपोर्ट तैयार करेगा, कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, कितने दिन उसने काम किया, कितने दिन लगे इसको बनाने में, या कितने वर्कर्स उसने अपॉइंट किया था, है ना, वो सारी चीज का डेटा अपने पास रखेगा, और उसके बाद वो सारा डेटा किसको देगा, सीईओ के पास। ठीक है, अब जो जहां भी कहीं भी मतलब बड़ा कंपनी आया है, तो वो इसको नहीं, इसको देख के काम करेगा। ठीक है, तो इसको भी अपने पास डेटा मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, किस में करेगा मैनेज, वो अपना कंप्यूटर बेस पे रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो कंप्यूटर बेस पे वो क्या करेगा, डेटा बेस तैयार करके रखेगा, उसमें वो सारे एम्प्लॉयज का, यहाँ तक कि उस मैनेजर का भी उसका डेटा उसके पास होगा, किसके पास, टॉप लेवल जो आपका ये है पर्सन है उसके पास। ठीक है, फिर आपका आता है ऑपरेशनल कंट्रोल लेवल, ऑपरेशनल कंट्रोल मतलब सुपरवाइजर है आपका, ठीक है, नीचे लेवल में जो अपना हमारे कंपनी में जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उसका आपका क्या रहता है, लोअर लेवल में उन लोग का क्या रहता है, ऑपरेशनल लेवल मतलब जो भी आपका बिजनेस है उसमें क्या है, ऑपरेशन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उस लेवल का ये रहता है आपका सुपरवाइजर में। ठीक है, फिर वर्कर जो भी काम कर रहे हैं वो सब का क्या है, इसमें आपका ह्यूमन रिसोर्स में भी आएगा, यहाँ पे सुपरवाइजर को काम देगा। ठीक है, वर्कर्स रहेगा जितने, जैसे 50 वर्कर्स है, 50 वर्कर्स उस कंपनी में काम कर रहे हैं, तो पहले वो किसको करेगा, पूछेगा मिडिल लेवल वाले। ठीक है, क्यों, मैनेजर को पूछेगा कि इतने वर्कर्स लगेंगे इस काम में, तो हमको ये दिखाना है कि हमको इतना सारा काम है, हमको इतना वर्कर्स चाहिए, तो ये जाके क्या करेगा, अपने टॉप लेवल वाले जो पर्सन है उसको क्या करेगा, बात करेगा, देनी आपको क्या है,
टॉप टू बॉटम लेवल और बॉटम टू टॉप लेवल आपका क्या होगा, वर्क होते रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टेप आपका ये बनाया है। ठीक है, ये आपका टॉप टू बॉटम लेवल आपका काम होगा, है ना, और यहाँ पे बॉटम टू टॉप लेवल आपका काम होगा। तो ये क्या होता है, आपका मैनेजमेंट होता है। ठीक है, सीबीआईएस का। ठीक है, ओके, थैंक यू गाइस, आज का क्लास यहीं तक है।